Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. In this video we will discuss about the dielectric strength. In the last video we have discussed about the behavior of a dielectric substance in an external electric field, and also we have discussed the definition of the electric polarization. Okay, so today's topic is dielectric strength. Okay, you know very well, when we put a dielectric substance in an external electric field, okay, suppose this is a dielectric substance and there are two plates which are oppositely charged, which produces uniform electric field from left to right, like that. This is the external electric field. Okay, due to this external electric field, the molecules of the dipole, the molecules of the dielectric polarized. That means the dielectric material in the presence of electric field polarized. Okay, that means there also an induced electric dipole moment. Okay, net. So we can take molecules as ठीक है ना. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया जाता है, तो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आपके टू टाइप्स के होते हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक्स और आपके नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स. बहुत ही केसेस में यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपके डायलेक्ट्रिक्स में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डेवलप हो जाता है. ठीक है ना. तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल डेवलप हो जाने के कारण इसके, और दूसरी बात ये भी कि जो इसके डायपोल से मॉलिक्यूल्स के, चाहे वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है और चाहे वो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज इस तरीके से आपका कुछ हो सकता है, जो यहाँ पर ये आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल का जो पार्ट होगा निगेटिव पार्ट को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव 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 निगेटिव, और इसका जो ये पार्ट होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरीके से. ये आपका पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के नियर पार्ट आपका निगेटिव 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 निगेटिव, और ये पार्ट इसका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सेम एज निगेटिव 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 निगेटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. क्लियर है ना. देखिए, आपका जो एटम या मॉलिक्यूल होता है, सपोज कर लीजिए कि आप नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पर. अब यदि आप नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है. तो जब उसके मॉलिक्यूल्स को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और जो निगेटिव सेंटर, चार सेंटर्स होते हैं, एक दूसरे को कॉइंसाइड करते हैं. अब क्या होगा कि जैसे आपने चार्ज प्लेट्स यहाँ इसके पास रखी, तो उन चार्ज प्लेट्स के कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा और निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो निगेटिव चार्ज सेंटर्स आपके इधर की ओर मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स आपके राइट की ओर मूव करेंगे, जिससे ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा. ठीक है ना. और सिमिलरली ये वाला मॉलिक्यूल जैसे बिहेवियर करेगा, सेम एज ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही ये हो जाएगा. ठीक है ना. और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई होगा, वो आपके यहाँ पर आपको एनालाइज नहीं करना है. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपका डायलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस आपने यहाँ पर रखा है, ये आपका क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया.
ठीक है ना। ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इसकी कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, वीक होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया और यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ डाइपोल्स आपके डेवलप हुए। अब इन डाइपोल्स के कारण भी कुछ ना कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब सपोज कर लीजिए कि ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। यदि आप यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं तो आप बताइए निगेटिव चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा बोलिए। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप यदि मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट से हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे टू प्लेट से जिसकी ये वाली साइड आपकी निगेटिव और ये वाली साइड आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए कि सभी मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कंसिडर कर लीजिए, या आप इस पूरे ओवरऑल थिंग के जगह एक ऐसी चीज ले लीजिए, दो प्लेट्स ऐसी ले लीजिए जिस पर एक साइड में आपका निगेटिव और एक साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज हो। तो हम इसे ओवरऑल एक निगेटिव वॉल से और एक पॉजिटिव वॉल से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो निगेटिव और जो पॉजिटिव वॉल की आप बात करोगे तो जो डायग्राम, ये जो आपका डायग्राम है कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा। किस टाइप से मिलेगा आपको, चलिए देखते हैं कैसा आपको मिलने वाला है। तो ये आपको डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा कि ये आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स की पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट्स है। चलिए ये आपकी प्लेट्स हो गई, ये आपकी निगेटिव प्लेट हो गई इसके नियर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो आपने डायलैक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर पुट की थी वो आपकी डायलैक्ट्रिक स्लैब ये हो गई। अब ये इस ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप रिप्लेस करेंगे एक निगेटिव वॉल से, ये आपकी कोई निगेटिव वॉल हो गई है ना, और ये आपकी क्या हो गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वॉल आपकी ये हो गई। आप देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन प्लेट्स के कारण था जिसकी डायरेक्शन आपकी क्या थी, ये थी, ठीक है ना। इसे हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये एयर में है, आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी डेवलप होगा। देखिए वो किस डायरेक्शन में होगा, वो आपका इधर से इधर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ पर भी किधर होगी, पॉजिटिव से निगेटिव। ये आपका कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका ई नोट है और ये आपका क्या हो गया, ई डैश, क्लियर है ना। तो अब आप देखिए इस मटेरियल के अंदर, इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई डैश है जिसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, और जो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपकी राइट टू लेफ्ट जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ई नोट है। तो यदि आपसे कहा जाता है कि इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा, सपोज कर लीजिए आप इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये लार्ज है, ये स्मॉल है, इसलिए आप एरो की लेंथ से चेक कर सकते हैं, इसके एरो की लेंथ स्मॉलर है, इसके एरो की लेंथ आपकी क्या है, लार्जर है। और वेक्टर क्वांटिटीज में एरो की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्ज होगा। तो चूंकि आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपकी होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। थोड़ा एरो में थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे क्योंकि आप देखेंगे कि ये आपका इतनी लेंथ इसमें से क्या हो जाएगी, आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका पॉजिटिव टू निगेटिव है। आप चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो इसका पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन जो चार्ज से हुआ वो आपका क्या था, ये हुआ पोलराइजेशन। अब आप बताइए जो पोलराइजेशन चार्ज था वो आपका कुछ डाइपोल्स के कारण डेवलप हुआ होगा। आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताइए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपकी क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो आपकी ये हुई स्मॉल पी, ये कैपिटल पी कर दीजिए चाहे स्मॉल पी कर दीजिए अभी आप, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका डायलैक्ट्रिक मूवमेंट की डायरेक्शन हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पोलराइजेशन होता है वो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। अब आप जरा जिस कंसेप्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट है आपका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीन्स आपके डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाँ तक है। अब आप देखिए डायलैक्ट्रिक मीन्स, डायलैक्ट्रिक का मीनिंग होता है कि जिसके पास क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस होते हैं, जो फ्री नहीं होते हैं, इस टाइप के इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें चार्जेस क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके जो चार्जेस की जो पोजिशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है,
डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि प्योर इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता। तो डाइलेक्ट्रिक एक तरीके का पार्ट है इंसुलेटर्स का, ठीक है ना। अब आप चलिए, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका जो पोलराइजेशन है वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो आपके निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स है वो भी आपके क्या होंगे, मोर डिस्प्लेस होंगे, क्या होते चले जाएंगे, डिस्प्लेस होते चले जाएंगे लार्ज उससे। तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो ये जो सेपरेशन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर्स के बीच में, ये आपका इंक्रीज करेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लार्ज हो जाएगा कि ये बॉन्डिंग जो है आपके निगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स के बीच में, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही बॉन्डिंग आपकी टूट जाएगी तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, चार्जेस मिल जाएंगे, आपके आयंस मिल सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। तो जैसे ही आपको चार्जेस मिलेंगे, क्योंकि आपकी जब बॉन्डिंग क्रैक होगी तो आपका निगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स क्या आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको चार्जेस मिल जाएंगे मूवेबल, तो उस कंडीशन में आपकी क्या हो जाएगा, ये एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। आपने देखा भी होगा कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, नेक्ड वायर है आपके पास कहीं से, और आपने उसमें करंट सप्लाई की, तो आप उस वायर को यदि टच करेंगे तो आपके करंट लग जाएगा, क्योंकि उस पर उसी इंसुलेटिंग कोई लेयर नहीं है। अब आपने सपोज कर लीजिए कि आपने उस पर एक पन्नी की एक स्मॉल लेयर आपने आपने उस पर बाइंड की, तो उस पर बाइंड करने से क्या होगा कि आप उसे टच करेंगे तो आपके तब भी क्या लगेगा, करंट लगेगा, क्योंकि आपकी जो पॉलीथीन है डाइलेक्ट्रिक उसकी जो थिकनेस है वो इतनी स्मॉल है कि वो इस वायर में से जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन नहीं कर सकती, और जिसके कारण क्या हो जाता है कि आपकी पन्नी से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है वो आपको करंट अप्लाई आपको करंट लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब पन्नी उस पर लपेटते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस उस पर लपेटी जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रिक टेप आती है ब्लैक कलर की उसकी आप या टू या थ्री लेयर्स ही उस पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो आप देखते हैं कभी कभी जो आपके स्विच होते हैं बोर्ड के में फूक जाते हैं, क्योंकि फूकने का कारण ये होता है कि ये भी एक तरीके डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल से बने होते हैं, कि कभी कभी लाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है स्पार्किंग के कारण, है ना, जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उसकी स्पार्किंग के कारण भी आप इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे कैसे ज़्यादा होती है। तो आप इंडक्शन में पढ़ोगे तो कुछ करंट बहुत लार्ज हो जाती है, उस करंट लार्ज के कारण इसके जो आपकी स्ट्रेंथ होती है डाइलेक्ट्रिक, सपोज समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन करने की जो इसकी पावर होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब क्या हो जाता है कि ये इसे क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है, जिससे ये क्या हो जाता है, फूक जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कंडेंसर, कभी कभी फैंस के कंडेंसर फूक जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो क्या फिजिकल क्वांटिटी है जिसके द्वारा आप किसी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, आपका जो सेपरेशन है आपका इंक्रीज करेगा, और एक या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाने पर आपका जो क्या क्या करें, जो आपका डाइलेक्ट्रिक होगा वो आपका कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो जब आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं और वो कंडीशन आपके पॉइंट के बाद जाने पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या हो जाती है, हम सब उस प्रोसीजर को बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर आपका एक ब्रेकडाउन होगा जी, ठीक है ना। तो उस ब्रेकडाउन को जहाँ तक ये सहन करेगा वहाँ तक ये डाइलेक्ट्रिक है, और यदि वो डाइलेक्ट्रिक की तरफ बिहेव नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी को आयंस में डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि अब इसका ब्रेकडाउन हो गया है, और इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो अब आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी विदस्टैंड विदाउट एनी ब्रेकडाउन, ठीक है ना, विदाउट एनी ब्रेकडाउन, जिसे आपका डाइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन के क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अब आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए
of a dielectric is the maximum electric field is the maximum applied electric field that it can be withstand सहन करना या सामना करना withstand without electric breakdown of its insulating property. Okay, which is a constant or a given dielectric. Okay, or a given dielectric. Clear? Okay, and we can define it. Suppose the maximum is that maximum electric field which can be withstand without breakdown of any dielectric with thickness d. Then अब यहां पर आप देखिए कि जब आप यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ठीक है ना. सपोज कर लीजिए कि ये जो थिकनेस आपकी यहां से यहां तक है ये आपकी कितनी है, डी है. और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए यहां पर क्या करना होगा, एक बैटरी कनेक्ट करनी होगी जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ठीक है ना. तो यहां पर हम रिलेशन कर सकते हैं कि सपोज कर लीजिए कि इसके कोरस्पोंडिंग कोई पोटेंशियल आपका क्या है, V maximum will be equals to E maximum into D. ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है. Since E equals to आपका होता है V by D. ये फॉर्मूला आपने कहां से पढ़ा है, ये आपको फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, किस केस में पढ़ाया था, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में हमने पढ़ाया था, जहां पर आपको बताया गया था कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपको बताया गया था. वहां से हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए जिसे विदाउट एनी ब्रेकडाउन आपका सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है. इसकी थिकनेस आपको नोन होगी और वी मैक्सिमम की हेल्प से आप उसके लिए ई मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो अब आप देख सकते हैं कि जो ई मैक्सिमम की वैल्यू है वो आपके डाइलेक्ट्रिक की आपकी थिकनेस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है. क्योंकि जितना ज्यादा थिकनेस होगा उसी हिसाब से आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ई मैक्सिमम की वैल्यू को आप करने के लिए आप ज्यादा करने के लिए आप क्या करते हैं कि डी की वैल्यूज को आप क्या करते हैं,
बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। नहीं तो आप देखिएगा कि जब भी आप किसी डायलैक्ट्रिक की बात करते हैं कि एक जब वायर आपके पास होता है तो उस पर आप जब किसी डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस की लेयर को चढ़ाते हैं तो आप उसकी थिकनेस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में उसका जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ब्रेकडाउन होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। आप जानते हैं कि जो एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो आपकी होती है वो आपको बताया गया था कि द डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, जब आपका वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है तो वहां पर आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए वहां पर आपके आपका आयनाइजेशन नहीं होगा, आपका वैक्यूम कभी भी एक तरीके से एक कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप यहां पर कितना चाहे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो ब्रेकडाउन है वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए वैक्यूम के लिए जो आपकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये रिमेम्बर करिए। चलिए बट डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होती है, आपको बताया गया था 3 × 10⁶ एंड द यूनिट ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेंथ इज सेम एज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वोल्ट पर मीटर। ओके क्लियर है ना। चलिए अब आपको इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताई गई थी कि आपसे पूछा गया था कि बताइए कि हम कितना चार्ज किसी स्फेरिकल कंडक्टर को दे सकते हैं कि जिससे कि उसका जो आपका जो चार्ज है उसका ब्रेकडाउन यानी कि ये कह सकते हैं लीकेज आपके एयर में ना हो, ठीक है ना। और वहां पर आपने कैलकुलेट भी किया था 1 मीटर की रेडियस लेकर, तो वहां से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। वहां पर मैंने बताया था कि इस टॉपिक को मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यहां पर आप देखिएगा कि जब आप किसी डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हैं तो वहां पर उसका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। अब किसी डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन कितना होता है इसे भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज यहाँ पर डिफाइन की जाती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या कह देते हैं डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए हर मॉलिक्यूल का यहाँ पर आपका क्या है, एक ये कह सकते हैं कि एक डाइपोल मोमेंट है। और पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में आपको बताया गया था कि इनका कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि वो डिपेंड करता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में। बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में आपने देखा था कि जो आपका अलाइनमेंट होता है वो एक्यूरेट होता है। तो हम यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एक सिंपल फॉर्मूला डेराइव करेंगे आपका। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ईच मॉलिक्यूल का यहाँ पर एक अपना क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और इस डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस के पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन करेंगे कुछ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर। तो किस प्रकार हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डायलैक्ट्रिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन करेंगे तो उसे आप देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मानकर चलिए यदि पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्लियर ना। द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द
एज द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. It is denoted by capital P and it is a vector quantity. That is, if the if the number of molecules per unit volume of the dielectric is small m and the इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इच मॉलिक्यूल इज स्मॉल पी देन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पी विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एन इनटू पी. ओके, it is clear and it is true for star. If all the molecules dipoles are aligned in same direction, okay, सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो सभी वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शंस में होंगे और जो उनका रिजल्टेंट होगा वो आपको उन्हें ऐड करके मिलेगा ना. तो इसलिए यहाँ पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, एन इनटू पी वेक्टर. ओके, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. काफी इजी फॉर्मूला है आपके लिए, आप इसे ड्राइव कर सकते हैं. अनदर रिलेशंस भी आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन्हें भी मैं आगे डिफाइन करूंगा. एक रिलेशन आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से रिलेटेड और भी है, वो आप कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा. कि आप जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वो आपका कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है. जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे आपके मोलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इंड्यूस भी उतना ही ज्यादा होगा, इंडक्शन भी, और आपका अलाइनमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर है वो आपका एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है ना. अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण डेवलप किया हुआ, देखे इस मॉलिक्यूल के कारण भी यहाँ पर कोई ना कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो हम यहाँ पर यदि बात करें कि इस मॉलिक्यूल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो टू टाइप्स का होगा, एक तो एक्सटर्नल और एक मॉलिक्यूल्स के अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम यहाँ बात करेंगे इस मॉलिक्यूल पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो आपका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो किस किस का सम है, आपका इसका और इन सभी मॉलिक्यूल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स का. तो इसे हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से यहाँ पर डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक फील्ड. इसे नोट कीजिए, आगे स्टार्ट करते हैं.
ओके कम बैक नाउ सिंस दिस एवरेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इच मॉलिक्यूल इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ई देन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ओके एंड आफ्टर दैट You will see here after this here for proportionality sign comes a constant alpha which is known as molecular polarizability okay यदि आपके डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है यदि वो किसी एटम के कारण इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर उसे बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और यदि आपका पोलराइजेशन मॉलिक्यूल्स में हो रहा है तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी ठीक है ना क्लियर है चलिए तो अब यहाँ पर आप देखिए अब ये जानते हैं कि आप पी और इसमें एक रिलेशन है सिंस कैपिटल पी वेक्टर इज इक्वल टू एन इंटू पी वेक्टर वी कैन पुट हेयर दिस वैल्यू एन अल्फा इंटू वेक्टर ई ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ओके रिमेंबर दिस रिलेशन एंड दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ओके आफ्टर दैट we will define another physical quantity which is known as electric vector okay I will see in this book where is this electric displacement vector okay after this we will define electric which is very very important concept of the physics about the dielectric substance to simplify the problems okay because in the case of dielectrics the problems are very difficult in place of vacuum or air okay so come back electric displacement vector ओके इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने देखा कि जब हम किसी मीडियम की बात करते हैं और किसी मीडियम में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो अभी तक आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन एनी मीडियम इज डिफाइंड एज 1/4πε0 इनटू के क्यू बाय आर स्क्वायर दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मीडियम नाउ हेयर वी विल डिफाइन ए सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ओके
For this we remove this term from here, okay? And after removing this term from here, we will get 1 upon 4 pi q by r square, and this physical quantity is known as electric displacement vector. The electric, we know that the electric field due to a point charge plus q in a medium of dielectric constant K is given by E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into K Q by R square. Okay? In form of vector quantity, this will be like this, r cap. Okay, now here we will define a new physical quantity which does not depend on medium, okay? D equals to 1 by 4 pi q by R square into R cap. This physical quantity, which is known as electric displacement vector, okay, and the relation between them implies that vector E equals to 1 by epsilon naught K into vector D, that is D equals to epsilon naught K into A, or vector D equals to epsilon E. This is the very important relation between the electric field and the electric displacement vector, where E depends on the medium but D does not depend on the medium. So this situation is very simple in the comparison of the electric field. So in the case of dielectrics, we first of all we define displacement vector, and after that we define the electric field, okay? Because if you want to find out the electric field here inside the dielectric, then their situation is very complicated because there exist some free charges and also bound charges, and the calculation of the bound charge is very difficult. So first of all, what we discuss about the displacement vector, which depends only on the free charge because it is independent from the medium, and if the medium is absent, then there exist only on free charges. So first of all, we define D, and then by the help of this formula, we get the value of the electric field in any medium very easily. So there is only introduction in your syllabus
बट इन द हायर क्लासेस यू विल स्टडी इन वेरी डीप दिस टॉपिक, बट दिस टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मैनी कंपटीशन एग्जामिनेशन लाइक IIT एंड NEET. ओके सो प्लीज read this topic also and note down in your notebook. Okay, after that if also a very very important relation between D, E and P. Okay, but first of all we define a particular relation between the electric polarization vector and the surface charge density, bound surface charge density, which is very useful to calculate electric polarization vector. Okay, electric polarization vector is a vector quantity, but surface charge density is not a vector quantity, but both have a relation between them. For this we take an example. Okay, so also remember this point. So come back, relation between electric polarization vector, and bound surface charge density. Okay, and this topic we will discuss in next video. For seeing this video, seeing this topic, please see my next video. Okay, thank you for watching this video.